नमस्कार दोस्तों, इलेक्शन पल्स तेलंगाना में सबसे बड़ा सवाल जो आज की तारीख में है कि तेलंगाना में सरकार किसकी बनने जा रही है। क्या केसीआर वापस आएंगे मुख्यमंत्री के तौर पर, या कांग्रेस जो एक बड़ी वेव पर सवारी कर रही है जिसके पक्ष में लहर है, वह सरकार बनाएगी, या फिर भारतीय जनता पार्टी वह कोई दांव चलेगी। क्योंकि उसका जो अभी दांव दिखाई दे रहा है वह यह कि केसीआर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी वोट हैं वह बढ़ जाएं, वह बढ़ जाएंगे तो निश्चित तौर पर केसीआर को फायदा होगा। केसीआर जो टीआरएस यानी तेलंगाना राष्ट्र समिति को भारत राष्ट्र समिति में तब्दील कर चुके हैं और इस बार चुनाव भारत राष्ट्र समिति के नाम से लड़ा जा रहा है, उनके पक्ष में कई तथ्य हैं, कई उनका जो काम है या जो स्कीम्स हैं या जमीन पे जो उनकी पकड़ है, जिस तरह से ठीक चुनाव से पहले उन्होंने बहुत सी योजनाओं को जमीन पर पहुंचाया है और पूरा का पूरा जो प्रचार तंत्र, उनकी जो मशीनरी है, निश्चित तौर पर वह केसीआर को एक प्रबल दावेदार के तौर पर पेश कर रही है। और वहीं कांग्रेस जो पूरी तरह से कोशिश कर रही है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के बाद से एक जो वेव पैदा हुई और खास तौर से जिस तरह से कर्नाटक में उसने जीत हासिल की, उसके बाद से उसके पक्ष में जो माहौल बना है उसे दूसरे ढंग से बिल्कुल निचले स्तर पर जाके, जिस तरह से राहुल गांधी कभी ऑटो रिक्शा पे सवारी कर रहे हैं, कभी किसानों से मिल रहे हैं, कभी प्रियंका गांधी जा रही हैं, कभी सोनिया गांधी सोनिया अम्मा के तौर पे अपील कर रही हैं, ये सारे फैक्टर्स मिलाकर केसीआर के खिलाफ जो गुस्सा है उसको कांग्रेस के पक्ष में मोड़ने की कोशिश हो रही है। और इस दौरान देखिए, यह दो अहम इंटरव्यू जो हमने लिए, इसमें वी हनुमंत राव जो कांग्रेस के मजे हुए खिलाड़ी हैं, जो अभी भी मानते हैं कि वह भी मुख्यमंत्री के उम्मीदवार हो सकते हैं, क्योंकि जब मैं उनसे सवाल पूछती हूं कि कौन होगा, क्या रेड्डी होंगे मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार, तो वे साफ कहते हैं कि नहीं, मैं भी रेस में हूं। और वहीं दूसरी तरफ मोटू गोपाल जो एक बहुत जमीन पर तगड़ी पकड़ रखने वाले विधायक हैं हैदराबाद के, वे बताते हैं कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी की जमानत तक जब्त हो जाएगी अधिकांश सीटों पर, और उन्हें तो यह भी भरोसा है कि राजा सिंह भी चुनाव हार जाएंगे जो गोशा महल से चुनाव लड़ रहे हैं। आइए सुनते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि मतदान के दौरान किस तरह से क्या पहलू रंग लाएंगे जमीन पर। कांग्रेस जो इस बार फाइट में आई है तेलंगाना में, उसकी सबसे बड़ी वजह आपको क्या लगती है? आप खुद एक बार यहाँ से बहुत लंबे राजनीतिक पारी आपने खेली है, क्या ऐसा चेंज हुआ है तेलंगाना में? देखिए, कांग्रेस का लहर चल रहा है। जब से राहुल गांधी कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, उसके बाद जो सिक्स डिक्लेरेशन सोनिया गांधी करने के बाद हर आदमी खुश है। क्या बोले तो एंटी इनकम्बेंसी से जो झूठ बोला, 3 एकड़ जमीन बोला, हर एक को मकान दे तुम बोला, हर एक को नौकरी दे तुम बोला, कोई निभाया नहीं। और दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी 2 करोड़ नौकरी बोला नहीं दिया, ब्लैक मनी ला तुम बोला नहीं लाया, और ऊपर से डिमोनेटाइजेशन करके लोगों के जिंदगी पे आज भी जो तरकारी बेचने वाली होने मोस्का बंडी वाले भी परेशान है। तो इस वजह से उन लोगों का एंटी इनकम्बेंसी हमको काम आ रहा। राहुल गांधी ने जो वादा करा कन्याकुमारी से कश्मीर तक चलने के बाद, उनको एक सोच आया, किसानों से मिला, नौजवानों से मिला, अनएम्प्लॉयड से मिला, आखिरी में उनको एक समझ में आया, कैस्ट वाइज सेंसस शुड बी कंडक्टेड, इट इज अ एक्सीडेंट बोला। एससी एसटी का पूरा देश भर में कितना है वो करने को, वी कम टू द पावर, वी कंडक्ट कैस्ट वाइज, उसके बाद सभी लोग ओबीसी की बात करें। क्या चैलेंज है टीआरएस के सामने? इस बार चुनाव थोड़ा सा बदला हुआ है, कांग्रेस भी दावा कर रही है, आज मोदी जी भी यहाँ पर हैं, मोदी जी का भी दावा है कि वो सरकार बनाने जा रहे हैं यहाँ पर। मैडम, जय तेलंगाना, जय केसीआर, जय केटीआर, जय बीआरएस। मैडम सी, आई एम मिस्टर मुटा गोपाल, आई एम एमएलए फ्रॉम मुशर्रफाबाद कॉन्स्टिट्यूएंसी इन तेलंगाना हैदराबाद। सो हियर एवरीबॉडी इज वेरी मच हैप्पी विद द सर्विसेज
and what is social activities of which were introduced by Mr. KCR Garu. Everybody very much happy, madam. So definitely this time nobody will beat TRS party. Definitely BRS party will form the government here. Modi may coming here, but that will not affect to anybody. आपको लगता है कि मोदी का मैजिक यहाँ नहीं चलेंगे? नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। लेकिन यहाँ बीजेपी ने कहा है कि वो बीसी कैंडिडेट देगी, बैकवर्ड कम्युनिटी से सीएम बनाएंगे। तो वो अभी तक नहीं बोले। एक आदमी पथापा बेचारा, उसका नाम क्या है, बंडी संजय। वो गांव गांव में फिरा, पैदल करा करा, उसको ही बाजू लगा दिए। उसको आता क्या असेंबली लड़ा रहे, तो उन्हें कैसा बनता? वो सुबह हमारे वोट लेने के वास्ते जो राहुल गांधी बैकवर्ड की बात करा, नरेंद्र मोदी हिमसेल्फ भी सही द टाइम है बैकवर्ड। अमित शाह बोला इस हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, नरेंद्र मोदी ओबीसी बोला। अब तक मैं तीन मरता ओबीसी एमपी कन्वीनर के मिला, एक मरता 40, एक मरता 60, एक मरता 83 एमपी। कैश वाइज सेंसस करूं तो बोला नहीं करा। उगोन राजनाथ सिंह बोला कैश अभी तक नहीं करा। उसके बाद हमारा आबादी के लिए से एक मंत्री बना, अब एनिमल हस्बेंड्री बनाते, फॉरेस्ट का बनाते, हमारा नहीं करे। तो इसी वजह से लोग उनको सुनने वाला नहीं है। आखिरी ट्रंप कार्ड कर रहे, वो सभी कॉर्पोरेट सेक्टर वालों को लाभ करा। कांग्रेस पार्टी गरीबों के वास्ते करती, इंदिरा गांधी लैंड सीलिंग करी और बैंक नेशनल, मोरारजी देसाई नहीं करना बोला, नहीं मैं बराबर करूंगा, गरीब के घर पे जाना, नहीं तो इंटरेस्ट पे ऊपर इंटरेस्ट करके लोगों के जमीन ले रहे, लोगों का घर ले रहे। तो इसी वजह से आज भी केसीआर और टीआरएस के पक्ष में सबसे बड़ी बात आपको क्या लगती है? 10 साल का शासन है, लोग बोल रहे हैं काफी एंटी इनकम्बेंसी भी होगी, ऐसी कौन सी योजना है, सबसे बड़ा सेलिंग पॉइंट क्या है आपकी पार्टी का? केसीआर ऐसा आदमी मैडम जो गरीबों का दिल में क्या रहता, गरीब का घर में क्या रहता, पहले उनले से पहले ही केसीआर सब सोच के वो स्कीम्स इंट्रोड्यूस करते। आज हमारे पास हिंदुस्तान में किधर भी नहीं है जो शादी मुबारक कल्याण लक्ष्मी प्रोग्राम में जो गरीब घर का बच्ची शादी करे तो उन लोगों को 1,16,00 रुपए सिर्फ तेलंगाना में दे रहा। सारे हिंदुस्तान में ये स्कीम किधर भी नहीं है। आज तेलंगाना में हमारे पास बूढ़े लोगों को, जो विडोस है, जो सिंगल वुमेन है, जो बीड़ी का लोग है, बीड़ी में बीड़ी प्रैक्टिस में काम करते, वैसे लोगों को केसीआर ने पेंशन मंजूर करा और मंजूर है भाई, एक एक को 2,000-1,500 रुपए देते हैं हर महीने को ऐसे लोगों को। लेकिन नाउ दैट स्कीम हैज इंट्रोड्यूस्ड डेवलप्ड टू 5,000 एंड फॉर इन फ्रॉम नेक्स्ट मंथ एंड वी आर गिविंग देम 3,000 रुपीज। आफ्टर दैट आल्सो आफ्टर 6-7 मंथ्स वी आर इंक्रीजिंग टू 4,000। आफ्टर 1 ईयर वी आर इंक्रीजिंग टू अप 5,000 रुपीज। This is, I think, nowhere in the country. Only in Telangana state the scheme is here. कितना परसेंट आपको लगता है कि कांग्रेस की कितना वोट रहे? 100% जीत रहे मैं। 20 कॉन्स्टिट्यूएंसी जाके आ रहा हूँ मैं। नलगोंडा गया और वरंगल गया, आदिलाबाद गया, सब जगह, खम्मम गया, हर जगह यही लड़। अभी बस वाला जा रहा ना, ऑटो वाला ना, आपके बोस का बंड आपके कांग्रेस साहब बोल, हावरत भी बोल रही, मरत भी बोल रही, अब क्या कांग्रेस का 78 लेयर, जब इंदिरा गांधी हाथ का निशानी से लड़ी ना। केसीआर जी ने बहुत सामान भी तो दिया है, डबल बेडरूम दिया है, दलित को बंधु दिया है, शादी मुबारक दिया है। शादी मुबारक हम भी दे रहे, हम क्यों रोक रहे? क्या शादी मुबारक का एक ही नहीं है, 2 बेडरूम किसको दिया? जिसको घर है उसी को दिया, उसके लोगों को दिया, गरीबों को नहीं दिया। और उसमें भी 20% कमीशन और दलित बंधु में 30% का। उस वक्त लोगों में गुस्सा है, अरे इसका काम करना, हर माँ बोल रही अब चलिए मेरे साथ कौन सा घर को जाएंगे, ये भी चुंडू दूंगा बोल के गालियां दे रहेगा। कोई भी 10 साल के बाद लोगों में एंटी एम्बेसी आता, लोग हमारे तरफ देख रहे और सोनिया गांधी का 6 डिक्लेरेशन बराबर अमल होगा, वैसी 5 डिक्लेरेशन भी कर्नाटक में सिद्धरामय कर रहे, उसको भी ना झूठ बोला नहीं होता। सिद्धरामय आके प्रेस कॉन्फ्रेंस लगा, मैं दे रहा हूँ आके किसी का दम तो पूछ लो बोल रहे, तो ये हमारा वादा है। तो आपके भी असेंबली में जो जीतेगा उसको डिसाइड करेंगे फाइनली। मैं सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन, राहुल गांधी, प्रियंका डिसाइड करेंगे जब तक
रेवंत रेड्डी नहीं है जो काम कर रहा उसको देते बोला हमें। मैं नाम कहीं को बोलूं, नाम बोले तो कल से मेरा दुकान बंद होता ना। जैसे आपकी स्कीम है रायत बंधु जो किसानों को मदद पहुंचाती है, 10,000 रुपए तक की बात है उसमें, लेकिन उसके बारे में है कि वो सिर्फ लैंड ओनर्स के नाम पर, मतलब जो जमीन के मालिक हैं, जो जमीन बोते हैं उनके नाम नहीं है, टिलर्स के नाम नहीं है, सारा फायदा लैंडलॉर्ड्स को मिलता है। और आपकी और केंद्र की सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में भी काफ़ी टसल है, वो भी यही स्कीम देते हैं, आप भी यही देते हैं, आप 10,000 रुपए दे रहे हैं, वो भी 8,000 दे रहे हैं। 8,000 दे रहे हो? अभी बोला ना उन्होंने 6,000 से 8,000 का। कौन बोला? मोदी जी। मोदी जी हाउ मच ही वांट, ही इज गोइंग टू गिव टू दिस एग्रीकल्चरिस्ट, हाउ मच इज गोइंग टू गिव दैट? वो जो किसान वाली योजना है वो साल में 6,000 रुपए अभी मिलती है ना देश भर में, लेकिन देश भर में 6,000 का इंट्रोड्यूस बोला सपना मोदी साहब ने बोला, लेकिन हमारा मुख्यमंत्री 10,000 से 16,000 किया, 16,000 देने वाला है। किसान लाभ बहुत, वेरी मच किसान लाभ बहुत हैप्पी है, जिस तरीके से वो लोगों को अच्छी पैमाने से फर्टिलाइजर्स और ज़मीन को अच्छे पैमाने से पानी मिल रहा, वो लोगों को दे आर वेरी मच हैप्पी विद द सर्विस ऑफ KCR एंड नाउ अवर तेलंगाना गवर्नमेंट इज गोइंग टू गिव देम 16,000 रुपीज पर एकर, 16,000 रुपीज पर एकर, बट नो वेयर इन द कंट्री दैट सिस्टम इज नो वेयर इन द कंट्री। कांग्रेस पर काफी, कांग्रेस आप पर हमला और आप कांग्रेस पर हमला, तो मेन फाइट कांग्रेस से है या मेन फाइट बीजेपी से है? एट प्रेजेंट फाइट इज बिटवीन कांग्रेस एंड टीआरएस पार्टी ओनली, बीआरएस पार्टी ओनली, बीआरएस। और कांग्रेस काफी करप्शन के भी चार्जेस लगा रहे हैं, आपको लगता है कांग्रेस कुछ गेन करेंगे यहाँ पर? कांग्रेस को 5-10 सीट आए तो बहुत बड़ा है, बट पीपल इज नॉट इन फेवर ऑफ कांग्रेस एनीवेयर, they don't got any seats here. Congress, they lost many places deposits. अच्छा, आपको लगता है कि कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा? कुछ फायदा नहीं। क्या सबसे बड़ा नुकसान कांग्रेस का है? कांग्रेस इससे पहले भी रूल करा, इतने दिन रूल करके क्या कुछ भी डेवलप नहीं करा, नो डेवलपमेंट्स वेयर इन द तेलंगाना स्टेट, नाउ यू कैन सी आफ्टर कमिंग बीआरएस पार्टी ओनली एवरी डेवलपमेंट इज गोइंग ऑन। Regarding you take about speak, I am telling about college from project, and that is one of the best project in the country, not in the country, in the world also. कालेश्वर प्रोजेक्ट जिसमें वाटर लिफ्टिंग की प्रोजेक्ट है कि पानी को आप ऊपर उठाकर बाकी जगहों पर भेजेंगे, ये वाला, लेकिन उसको लेकर काफी विवाद है, करप्शन का भी चार्ज है काफी। जो काम नहीं कर सकता, जो काम नहीं करता उसके बारे में कुछ भी नहीं। फॉर द लास्ट मेनी ईयर कांग्रेस पार्टी वॉज टेलिंग दैट वी आर गोइंग टू कंस्ट्रक्ट अ वेरी बिग डैम ऑन कालेवर कालेश्वरम प्रोजेक्ट, बट दे डिडंट दे हैव नॉट टेकन एनी इंटरेस्ट ऑन कालेश्वरम प्रोजेक्ट। आफ्टर कमिंग टू द रूल मिस्टर KCR ऑल्सो टेकन स्पेशल इंटरेस्ट, एंड विद इन 2 years वी हैव कंस्ट्रक्टेड दैट मच ऑफ बिग प्रोजेक्ट, एंड नाउ दैट इज नंबर वन प्रोजेक्ट इन द कंट्री। सो विद दैट मेनी किसान पीपल आर हैप्पी, and everywhere water is getting. If we don't get rains in 2 years also, people of Telangana will not suffer with any water scarcity. The state will supply water there to farmers and industrialists, and for drinking also we are supplying that much. ये project आपका काफी dream project है, कालेश्वर project? हाँ सर, अच्छा project है, dream project of Mr. KCR sir only. Only he stood as a engineer and he did everything for that. उस प्रोजेक्ट का ड्रीम प्रोजेक्ट ऑफ KCR ओनली दिस इज। एम्प्लॉयमेंट कितना बड़ा मुद्दा है, आपको लगता है कि एम्प्लॉयमेंट पे KCR बैकफुट पर है? एम्प्लॉयमेंट देखो मैडम, गवर्नमेंट जॉब से बहुत दे चुके हैं, स्टेट गवर्नमेंट भी हैज गिवन मेरी एम्प्लॉयमेंट्स टू द अनएम्प्लॉयमेंट स्टूडेंट्स, नाउ दे आर हैप्पी विद देयर ड्यूटीज आल्सो, एंड इन फ्यूचर आल्सो गवर्नमेंट इज गिव मेनी पीपल एम्प्लॉयमेंट आल्सो मैडम, एंड इवन in the country, nowhere in the country we have given more than 4-5 lakhs to information IT students. They are working in private sectors, everybody is happy with the employment. Okay, aur aap apni jeet ko lekar aashwast hain is constituency se, Mushirabad constituency se? Definitely I will win the seat madam, with good majority I am going to win this Mushirabad seat. Aap logon ki ek yojana hai Dalit Bandhu,
उसे लेकर भी काफी मैं काफी लोगों से मिली, कई लोगों ने कहा कि मिल नहीं रही है, कई लोगों ने कहा कि मिली है, लेकिन अभी कुछ ज्यादा जमीन पर दलित बंधु का इम्पैक्ट मुझे नहीं दिखाई दिया। मैडम, दलित बंधु इज ए वेरी गुड स्कीम इन तेलंगाना एरिया। सो फार एवरीवेयर वन टाइम हैज गिवन 100% वी हैव गिवन दलित बंधु स्कीम टू 106 पीपल in my constituency, not only my constituency, many constituencies of Telangana area, but next time we are going to give them 1100 people also. Dalit Bandhu, with Dalit Bandhu, many Dalits are developed like anything. Future, in past area, earlier, Dalits have not get any this type of support from the government. Now government has given chance to those people who are highly qualified, and qualified people also. In that, Mahilas and youth people also joined, and we have given that Dalit Bandhu to even Mahilas and youth also. Now they are very much happy, and they are developing their projects. How much you are giving in Dalit Bandhu? 10 lakhs. 10 lakhs. I just wanted to ask one thing, very specific. I met Safai Karamcharis, Safai Karmalu. They were saying that at that formation of the Telangana, KCR promised that everyone will be permanent, the jobs will be given, but still they are working on the contract. No benefit they have received so far. Madam, they are getting very good payments now. Earlier they don't have much payments. Now government is giving very handful payment to those people. No sir, only 8,000, 10,000, 11,000. Yesterday also, only I was there with them. That means they are contract laborers. Yeah. Now contract laborers are getting more than 19,000-20,000, madam. They are very happy with that government payments. So no scheme of making them permanent? In future, we will think definitely they will be permanent. Okay. This is a long due promise. Na, aapne bahut pehle promise kiya tha, 10 saal pehle. Kyunki main bhi us samay yahan aayi thi. उस समय जो एक प्रॉमिस था उसमें ये प्रॉमिस था कि सारे सफाई कर्मचारी जो काम करते हैं उनको परमानेंट किया जाएगा। पीपल आर स्टिल वेटिंग। परमानेंट के बारे में इवन गवर्नमेंट इज थिंकिंग अबाउट परमानेंट ऑफ दैट पीपल। डेफिनेटली सीएम इज वेरी मच इंटरेस्टेड टू गिव चांस टू देम। वंस गवर्नमेंट विल गिव देम चांस ऑफ परमानेंट। थैंक यू सर।